हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सेंचर का ओटीसी, ओटूसी या फिर ऑर्डर टू कैश प्रोसेस को। बताऊंगा सबसे ज्यादा पूछने वाले 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर को भी। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप, तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे फ्रेशर्स के लिए बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ओटूसी प्रोसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर से लेकर कैश तक की कोई चीजें इसके अंदर होती होंगी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग तो की ही होगी। मान लीजिए आपने ऑर्डर किया अमेज़न से, आपने क्या किया, अमेज़न के ऐप पे गए, वहां पे ऑर्डर प्लेस किया, आपके घर पे आइटम को रिसीव किया और फिर सीओडी या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो ये प्रोसेस आपके लिए इतना सा था, लेकिन बैकएंड पे जो अमेज़न काम कर रहा होता है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आप प्लेस करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर जाता है सेलर के पास, सेलर उस आइटम को पिक करता है, पैक करता है और फिर कुरियर गाय को दे देता है। कुरियर वाला बंदा क्या करता है, सेलर से वो आइटम लेता है और फिर उसको शिप करता है आपकी सिटी में। आपके सिटी में एक बार जब वो आइटम आ जाता है तो अमेज़न के वेयर हाउस में रखा रहता है। उसके बाद वहां से वो सामान डिलीवरी बॉय लेता है और आपके घर पे दे के जाता है, और उसके बाद आप उसको सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या फिर अपनी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं तो वो अपने रिकॉर्ड्स में इसको अपडेट कर लेते हैं और इसी के साथ उनका ऑर्डर टू कैश प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ओटीसी प्रोसेस होता क्या है। अब इसी चीज को आपको अगर इंटरव्यूअर को आंसर करना है तो वो कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ऑर्डर टू कैश इज अ बिजनेस प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम रिसीविंग अ कस्टमर ऑर्डर, फुलफिलिंग इट, रेजिंग अ बिल अगेंस्ट द ऑर्डर, रिसीविंग कैश एंड बुकिंग द कैश इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, ग्रेट। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर टू कैश साइकिल। तो अभी जो हमने एग्जांपल समझा था, हमारा प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ, आपने जब ऑर्डर प्लेस किया, और एंड कहां पे हुआ, जब आपने पेमेंट कर दी और अमेज़न ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर टू कैश साइकिल। लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या किया था हमने, ऑर्डर को प्लेस किया था, यानी कि अमेज़न पे क्या हुआ, वो ऑर्डर रिसीव किया। फिर सेलर ने क्या किया, उस आइटम को पैक किया, मतलब उसको फिल ऑर्डर किया। उसके बाद उसने उसको शिप कर दिया। आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस क्रिएट किया। अब आप इस क्वेश्चन को अपने इंटरव्यू में कैसे आंसर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। ओटूसी साइकिल इज अ साइकिल विच कंटेन्स ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। ओटूसी साइकिल स्टार्ट्स विद रिसीविंग अ कस्टमर ऑर्डर, फिलिंग इट, शिपिंग द ऑर्डर, क्रिएटिंग इनवॉइस, फॉलोड बाय रिसीविंग द पेमेंट and recording the payment in the books of accounts. Once we have received the payment and recorded it in our books, the O2C cycle completes. What are the different teams involved in O2C process? So, order to cash में कौन-कौन सी teams होती हैं? सबसे पहले होती है sales team, जिसका काम होता है sales करना। उसके बाद आती है आपकी credit team. Credit team का काम क्या होता है? वो evaluate करती है आपको कि आपको credit पे यानी कि उधार आपको माल बेचा जाए या ना बेचा जाए। थर्ड टीम जो होती है वो होती है मास्टर डेटा टीम। अब ये मास्टर डेटा टीम क्या होती है, जो भी कस्टमर है उनका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोग क्या क्या डिटेल्स देते हैं, अपना नाम, शिपिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज। तो ये सारी डिटेल्स जो वहां पे संभाल के रखने की जिम्मेदारी होती है वो किस टीम का काम होता है, मास्टर डेटा टीम का, जिसको MDM भी कहते हैं, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, ताकि फ्यूचर में आपको फिर से कभी ट्रांजेक्शन करनी हो तो आपसे बार बार ये डिटेल्स ना मांगी जाए। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टीम के पास, जो कि है ऑर्डर मैनेजमेंट टीम। इसका काम क्या होता है, आपके ऑर्डर को मैनेज करना, जो भी ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं उनको मैनेज करने का काम ऑर्डर मैनेजमेंट टीम का होता है। नेक्स्ट टीम होती है बिलिंग टीम या फिर इनवॉइसिंग टीम। तो जो भी ऑर्डर फुलफिल हो रहा है उसके अगेंस्ट बिल रेज करना या इनवॉइस रेज करना काम किसका होता है, इनवॉइस टीम का या फिर बिलिंग टीम। अगली टीम जो आपकी होती है वो होती है कलेक्शन टीम। तो कलेक्शन टीम का काम क्या होता है कि कैश को कलेक्ट करना। और जो हमारी लास्ट टीम होती है, जो कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की बात कही थी, वो होती है आपकी कैश एप्स या फिर कैश एप्लीकेशन टीम। कैश एप्स टीम्स का क्या काम होता है, कलेक्शन टीम ने जो भी पैसा रिसीव किया है अपने कस्टमर से और बिलिंग टीम ने जो भी इनवॉइस रेज किए थे अपने कस्टमर के अगेंस्ट, उनको आपस में मैच करके अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना कि किस बिल के अगेंस्ट पैसा आ गया है और किस बिल के अगेंस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिख रहा है। कितनी टीम है एक ओटूसी प्रोसेस में, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ओके, ग्रेट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डर टू कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल आर सेम प्रोसेस, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अब आप लोगों को मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग सोच के बताइए, आप लोगों को अभी तक जो चीजें समझ आई है
अगर आपका आंसर है यस, तो आपने गलत जवाब दिया। ऑर्डर टू कैश आपका एक ब्रॉडर टर्म है। ऑर्डर टू कैश इज एन एंटायर बिजनेस प्रोसेस, हाउएवर अकाउंट रिसीवेबल इज जस्ट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट ओटूसी प्रोसेस। तो दीज टू आर नॉट सेम। ओके, तो आपको आंसर में बताना है कि ये फॉल्स है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन ओटूसी एंड पीटूपी। तो ऑर्डर टू कैश और प्रोक्योर टू पे में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया ऑर्डर टू कैश क्या होता है, उसी तरीके से मैं पहले आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊंगा पी टू पी क्या होता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूं। अब बात करते हैं उस बोनस टिप की, जो कि आपको हेल्प करने वाला है आपकी जॉब सिक्योर करने में। आप लोग कभी भी जब इंटरव्यू देने जाएंगे ऑर्डर टू कैश प्रोसेस के लिए, तो मैंने जो टीम्स आप लोगों को बताई, आप उनमें से ही किसी एक पर्टिकुलर टीम के लिए इंटरव्यू दे रही होंगे, लाइक ऑर्डर मैनेजमेंट, कैश एप्लीकेशन, कलेक्शन, बिलिंग, इनवॉइस। तो आप जिस भी टीम के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप उस टीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली प्रिपेयर करके जाना। हाँ, आपका जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, एंड टू एंड प्रोसेस समझाया है, इसको बताने से आपको थोड़ा एज मिलेगा। आप जिस भी टीम के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप उससे रिलेटेड स्पेसिफिक चीजों को पढ़ के जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा इंटरव्यू में। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आप लोग जब भी अपना आंसर दे तो उसके अंदर एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझाएंगे उनको, इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी है और ना कि सिर्फ आप इंटरनेट से पढ़ के आ गए। जैसे इस वीडियो में मैंने अमेज़न का एग्जाम्पल लिया, तो आप भी जब अपना आंसर करते हैं तो आप अमेज़न का या फिर कोई भी अदर एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।